गोरखपुर जिले के गुलरिहा के भटहट में सीज किए गए सत्यम हॉस्पिटल के संचालन में संलिप्तता पाए जाने पर बृहस्पतिवार को हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि सत्येंद्र फर्जी अस्पताल संचालन के गिरोह में अहम भूमिका निभाता है और 30,000 रुपए में CMO दफ्तर से रजिस्ट्रेशन भी करा देता है। सत्यम हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन कराने में उसकी भूमिका पाए जाने पर गिरफ्तारी कर ली गई। पूछताछ में CMO दफ्तर के एक बाबू और एक RTI कार्यकर्ता की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। खबर है कि इनके खिलाफ भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पकड़ा गया सत्येंद्र शाहपुर के ईस्टर्नपुर में रहता है, वह बिहार का मूल निवासी है। सत्येंद्र YouTube के जरिए सोशल मीडिया पर खबर वायरल कर खुद को पत्रकार भी बताता है। जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी को गुलरिहा के सत्यम हॉस्पिटल में गर्भपात के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने संचालक सुभाष, कथित डॉक्टर रंजीत और नर्स गीता को जेल भेजा। जिस डॉक्टर सुनील सरोज के नाम पर रजिस्ट्रेशन है उस पर 20,000 रुपए का इनाम है, लेकिन वह फरार है। इस बीच जांच में सत्येंद्र का नाम भी सामने आ गया, उसी की मदद से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। यह तथ्य सामने आने के बाद पुलिस साक्ष्य संकलन कर रही थी। पुलिस ने साक्ष्यों को जुटाने के बाद बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। दवा व्यापारी ने सत्येंद्र शर्मा पर रंगदारी का केस शाहपुर थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि दवा की दुकान से वह महीना मांगता है। इस मामले में शाहपुर पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी। सत्येंद्र शर्मा पर गोरखनाथ गुलरिहा कैंट में कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। धमकी, खुदकुशी के लिए उकसाने, मारपीट, जालसाजी, बलवा और मेडिकल एक्ट का आरोपी सत्येंद्र खुद को पत्रकार बताकर समाज व अधिकारियों में धौंस भी जमाया करता है। सत्यम हॉस्पिटल में 3 फरवरी को जैनपुर टोला काजीपुर निवासी रामवदन की गर्भवती पत्नी सोनावत के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस रामवदन की तहरीर पर रंजीत निषाद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। मामले में रंजीत और कथित नर्स गीता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। पुलिस ने मामले में दूसरा केस ACMO डॉक्टर AK सिंह की तहरीर पर डॉक्टर सुनील कुमार सरोज व संचालक सुभाष निषाद के खिलाफ दर्ज किया है। सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन डॉक्टर फरार है। ASP मानुष पारेख ने कहा कि सत्यम हॉस्पिटल संचालित करने के लिए कराए गए रजिस्ट्रेशन में डॉक्टर सुनील कुमार सरोज के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया। जांच के सामने आया कि सत्येंद्र शर्मा ने वीरेंद्र राय के द्वारा 25,000 रुपए संचालक से लेकर CMO दफ्तर में कार्यरत बाबू की मदद से रजिस्ट्रेशन कराया। विवेचना में सत्येंद्र कुमार की संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तारी की गई। अनेक की भूमिका की जांच की जा रही है।